कुवाड़ा रोड स्थित मूक बधिर विद्यालय में शुक्रवार सवेरे अहमदाबाद से आए होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण सुराणा ने बिना मशीन बिना ऑपरेशन के केवल दवा के माध्यम से मूक बधिर विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति लौटाने का प्रयास किया। उनके प्रयास से मूक बधिर विद्यालय में कुछ बच्चे जो आज तक सुन नहीं पा रहे थे वे भी सुनने लगे। मूक बधिर विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति लौटाने के लिए शुक्रवार को मूक बधिर विद्यालय में आयोजित हुए कर्ण रोग निदान शिविर का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मधु जाजू, वैश्य फेडरेशन के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष ओपी हिंगड़, यूथ विंग जिलाध्यक्ष कल्पेश चौधरी, महिला विंग जिलाध्यक्ष शोभा भदादा सहित अन्य गणमान्य जनों ने करते हुए मूक बधिर विद्यार्थियों को संकेतिक भाषा में उद्बोधन प्रदान किया। श्रवण शक्ति लौटाने के लिए दिए जा रहे उपचार की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रवीण सुराणा ने बताया कि नसें सूख जाने से आया हुआ बहरापन बिना ऑपरेशन बिना मशीन व बिना कोक्लियर इम्प्लांटेशन से मिटाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा महज एक से दो घंटे में किए जा रहे इलाज के परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं। मूक बधिर स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रयोग बना जा रहा है जिस प्रयोग के बारे में शायद हम लोगों ने कभी सुना नहीं है। मूक बधिर बच्चे जो है आज वो डॉक्टर सुराणा साहब जो अहमदाबाद से आए हैं उनको कान से सुनने की क्षमताएं देने वाले हैं कि वो एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चों के कान में वो दवा डालेंगे और घंटे भर बाद में वो सुनने लगेंगे। कि कान में डालने की दवाई है और खाने की दवाई है, ये पेटेंट और ट्रेडमार्क एक्ट में सुरक्षित है, फॉर्मूला सही है, 50 वर्षों से कर रहा हूँ। कान में डालने की दवाई के बाद में एक घंटे के बाद में बच्चे को खड़ा करके यहाँ पर सुनवाएंगे, टेस्टिंग करेंगे और बच्चे कंफर्म करेंगे सुनाई दे रहा है, बस यही प्रोजेक्ट चमत्कार है। मैंने स्वयं ने इनके घर पे जाके देखा, 6 आदमियों का ट्रीटमेंट चल रहा था और एक घंटे के बाद उनकी पहले ऑडियोमेट्री की बाद में ऑडियोमेट्री की, उनको पूरा लाभ हुआ और इतने संतुष्ट थे, वो ये मान रहे थे प्रभु का आशीर्वाद मिला है। मैं भी यही मानता हूँ कि प्रभु का ये चमत्कार नहीं, प्रभु का आशीर्वाद है और ये ऐसी शक्ति जो हमने पहले सुनी नहीं है। अपन स्वयं एक घंटे बाद देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने आज तक कभी सुना नहीं वो कुछ सुनना प्रारंभ कर देंगे और इनकी दवा लेकर के 2 महीने बाद वो बच्चे पूर्णतया सुन पाएंगे, समझ पाएंगे।